माय टू फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, होंगे। यहाँ पे काट रही हूँ पालक, इसको मैं बॉयल दूंगी, उसके बाद देखें दाल पालक बनाऊंगी। इसके में ये थोड़ा ही पालक बचा था, मैंने ज्यादा तो मैं आलू पालक बनाती, थोड़ा है तो अब दाल पालक बनाऊंगी। तो फिलहाल इसको बॉयल करते हैं। और आज मैं बना रही हूँ दाल चावल, तो मैंने मिर्च हल्दी डाल के मैंने इसको गला लिया था, ये गल गई है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी नमक, और आप लोग सुनाए आप लोग कैसे हैं। अभी नाश्ते से फारिग होके नमाज वगैरह पढ़ के तो फिर मैंने सोचा चलो लंच अपना प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्या बनाना है। तो घर में बोला दाल चावल बना लो, तो दाल चावल बना लो, और कल इंशाल्लाह फिर वो दाल पालक बनाऊंगी, शायद हो सकता है जैसा भी हुआ। अब इसमें नमक के बाद में डाल दूंगी पानी, और इसके अंदर डालूंगी हरी मिर्च, बस इसको हल्की आँच पे छोड़ दूंगी। बस चावल तो बाद में बॉयल करूंगी, अभी मुझे मार्केट जाना है, मार्केट से आके फिर मैं चावल बॉयल करूंगी। हरी मिर्च काट के डाल देंगे इसके अंदर ताकि गल जाए आराम से। यहाँ पे बच्चे शोर कर रहे हैं, इग्नोर करिएगा शोर। बस हो गया, यहाँ पे मैंने पालक बॉयल करने भी रख दिया, बस ये हो जाएगा। मुझे गैस थोड़ी कम आ रही है, पालक बॉयल करके इसको मैं रख दूंगी। यहाँ पे मैंने सोचा चलो ये कैबिनेट है ये साफ कर लूँ, ऊपर वाला तो मैंने साफ कर दिया था, नीचे वाला है ये साफ करना, देखिए कितना मैस हो रहा है, तो ये सब साफ करती हूँ। समझिए एक हफ्ता हो गया, हर वीक साफ कर लेती हूँ मैं, लेकिन अभी ज़्यादा साफ नहीं किया था, तो सोचा चलो आज साफ कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम है मेरे पास। तो ये देखें क्लीन हो चुका है मेरा, इसके अंदर सूखा पुदीना गिर गया था और भी मसाले वगैरह गिर गए थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा इसको साफ़ करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता। और ये है कि फिर अब मसाले रख दूँगी मैं, जीरा धनिया, कैबिनेट ऊपर कभी साफ है नीचे कभी साफ है, तो शुक्र है ये एक काम तो हुआ मेरा। यहाँ पर मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, थोड़े से ही बर्तन थे, सुबह नाश्ते के ही थे, बस अभी खाना तो खाया नहीं है, तो बस ये धो के फारिग हो गई हूँ मैं। धुल गए यहाँ पे बर्तन, और बस सफाई वफाई भी मैंने कर ली थी सुबह ही नाश्ते के बाद। बस थोड़ी देर बाद में अपने बच्चों को रेडी करके फिर हम लोग निकलेंगे मार्केट के लिए, क्योंकि फिर रात को ठंड हो जाती है ना, फिर निकल। यहाँ पे देखें दाल भी डन है, इसे हरा धनिया भी अच्छा लगता है, पिछली दफ़ा मैंने डाला था हरा धनिया। लोग तो कहते हैं किस किस चीज़ का तड़का लगाते हैं, मैं सिर्फ इसके अंदर जीरे का और साबित मिर्च और लहसुन, अगर साबित मिर्च नहीं भी तो लहसुन और ज़ीरा तो मस्ट है, वो मैं उसका तड़का लगाती हूँ उसके अंदर। और ये पालक भी हमारे हो ही गए तकरीबन गल गए। बस रूम में आ गई थी मैं, यहाँ पे भी बहुत मैस पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने बोला ये थोड़ा सा मेट दूँ। बच्चे सब निकाल के ड्रॉर में से इधर उधर बिखेर देता, मेरा छोटा वाला तो कुछ ज़्यादा ही माशाल्लाह से शरारती। सब हो गया सेट, डस्टिंग हो गई है, और ये मोहल्ले से आया था, उम्र पे गए थे, मोहल्ले में एक हमारे अंकल, तो उन्होंने दिया था खजूरें, तो ख़त्म हो चुकी हैं तकरीबन। बस ये देखें बच्चों ने फिर बिखेर दिया कमरा, जबकि अभी सफाई की थी मैंने, लेकिन अपने खिलौने निकाल के इधर से उधर डाल देते हैं ये।
बस यही थी मेरी सिंपल सी आफ्टरनून रूटीन। बस अब खाना तो अभी नहीं खाएंगे, खैर खाना तो हम देर से ही खाएंगे, लेकिन ये कि खाना रेडी हो गया। बस अभी मार्केट से आके फिर चावल बॉईल करूँगी मैं, और उसके बाद ये लोग भी अभी यहीं पर ही खेल रहे थे, अब पता नहीं कहाँ है, बाहर है शायद खरगोश वगैरह के पास। वही देखें चादर का कैसा खराबा किया है बच्चों ने मेरे, तो अभी इसको भी सही करना है, उसके बाद छोटे बेटे को रेडी करके निकलेंगे। अभी अपने ज़रा खरगोश और तोते वगैरह को खाना डाल दें, फिर उसके बाद देखते हैं। ये देखें अभी इसे ना पानी डाला है पौधों में, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे ख्याल से मटर की बेल निकल ले आई थी, मैं अपने हस्बैंड से पूछूँ ना, मटर लगाई थी, लेकिन मटर की बेल इतनी बड़ी हो गई है अभी तो फिलहाल मुश्किल है आना इसके ना मटर। मनी प्लांट तो हमारे पास बहुत हो गया था, ये तो समझने का से बहुत कम है। मनी प्लांट इन्होंने बाहर की तरफ ही रख दिया, और ये देखें ये करेले की है, ये देखें माशाल्लाह से कितनी लंबी हो गई है, ये करेले की बेल है। और एक इन्होंने लगाई हुई है वहाँ पे कोने में, वो थोड़ी मुरझा गई है, यहाँ पे ना बिल्लियों ने हमला कर दिया था, यहाँ पे भी इसने गिरा दिया, निकाल दिया, क्या किया है, यहाँ पे गमले ये फेंक देते हैं नीचे, बिल्लियाँ घुसती हैं ना सर्दियों में मिट्टी के अंदर बैठती क्या करती हैं वो, खैर तो उन्होंने एक दो गमले तोड़ दिए हैं। ये देखिए वाली मनी प्लांट भी काफ़ी बड़ी हो गई है, ये देखें बेचारे कबूतर को निशाना बनाया होगा बिल्ली ने, यहाँ पे पर पड़े हुए हैं, कबूतर को पकड़ के ले आई होगी कहीं से। बस यहाँ पे मैं पालक निकाल लेंगी, बस इसका पानी फेंक दूंगी। बस यहीं तक की, यहाँ पे ये खरगोश खाना खा रहे, ये देखें उन्होंने सब मिट्टी बाहर निकाल के डाल दी। तो यही थी बस मेरी छोटी सी सिंपल सी रूटीन दोपहर की, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई हो।